तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कुछ चीज़ों के ट्यूटोरियल्स, जैसे कि सांस कैसे लेते हैं, दरवाज़ा कैसे खोला जाता है और भी बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, पहली वीडियो हाउ टू पिक अप अ ब्लू चेयर। तो चलिए देखते हैं। So if you have a blue chair that fell down, तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। बहुत मैंने लिटरली एक क्रेन बुला ली थी उठाने के लिए चेयर, पर इस वीडियो की वजह से मुझे पता चला कि हम ये काम हाथ से भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता था हाथ केवल हिलाने के लिए होते, पर नहीं नहीं भाई, उससे हम सामान भी उठा सकते हैं। और गाइस, इस वीडियो की बेस्ट बात क्या है जानना चाहेंगे कि इस बंदे ने वीडियो में चेयर ही नहीं उठाई, इसने हम लोगों का काट दिया। एक फिरंगी ने हम लोगों का काट दिया, चाहे तो आप खुद जाके देख सकते हैं। तो आप इस बकचोर वीडियो को बंद करते हैं, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तो गाइस, अगला ट्यूटोरियल बहुत टफ चीज़ के बारे में, ये चीज़ शायद ही हम कभी करते हों, हाउ टू ब्रीथ, सांस कैसे लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। Why we need to breathe? तो भाई ने अपने बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया है, वाई वी नीड टू ब्रीथ। ये मतलब ये मैं वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ। तो हफ्तों की मेहनत के बाद शायद मैंने इसका आंसर ढूंढ लिया, मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ। हमें सांस क्यों लेना चाहिए, जिंदा रहने के लिए? तो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। How to breathe? ओफो, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, लाओ कहीं लिख लो, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। तो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। The future of breathing. तो हमारे भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि फ्यूचर ऑफ ब्रीदिंग क्या है। जैसे कि अभी हम नाक से सांस लेके नाक से निकाल देते हैं, पर हम इन फ्यूचर नाक से सांस लेके गांठ से भी निकाल सकते हैं, यही होगा फ्यूचर ऑफ ब्रीदिंग। ये मेरा अनुमान है केवल, आगे तो हमारे लिए गुरुजी बैठे हैं ये बताने के लिए। तो गाइस, अब गुरुजी बताएंगे कि सांस कैसे लेते हैं। Air lying around somewhere. If you cannot find any air about, you may want to start praying for some in the next few minutes. Also, once you have located a good supply of air, you want to take your head, which should be located just above your neck for anybody unsure, and you want to take a big gulp. Like that. Now, ओ भाई, मतलब पहला स्टेप क्या है सांस लेने का, पहले अपने आसपास हवा ढूंढो। हाँ, मैं मम्मी का हेयर ड्रायर लेके उसमें मुंह घुसा देता हूँ। उसके बाद ये भाई साहब हवा को लड्डू समझ के खा रहे हैं। यार ये क्या बकचोदी है यार, अगर हमने ऐसे सांस लेना शुरू कर दिया ना तो हमारे घर वाले हमको पागल घोषित कर देंगे। तो भाई लोग, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी चीज़ को अपनी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपकी मौत भी हो सकती है और जिसके जिम्मेदार हम तो नहीं होंगे। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ, हाउ टू ओपन अ डोर। I will be teaching you how to open and close a door. It is very hard and you might not get it your first try. Let us begin. तो भाई कहते हैं कि अब हम तुमको डोर खोलना और बंद करना सिखाएंगे, शायद तुम पहली बार ना सीख पाओ क्योंकि ये बहुत टफ है। हाँ भाई, लेकिन हम मेहनत करेंगे भाई, हम सीखने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में जो कातिल स्माइल दें, कहता है मन हुआ कि जूता फेंक के मार दूँ। What you have to do, you have to grab the handle like you're squeezing a ball, turn it, then pull. It is very important that you turn, otherwise it'll make a big sound and it'll blow your cover. Then what you want to do, grab the other side and repeat. लेकिन कुछ भी कहो, एक्सप्लेनेशन देने में ये लड़का हमारे मैथ टीचर को टक्कर देता है, बिल्कुल अनपढ़। हाँ शुक्रिया भाई बताने के लिए कि ऐसे दरवाज़ा खोलते, वरना तो हम तो ज़िंदगी भर दरवाज़ा ऐसे खोलते थे। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।